मैं उमाराम चौधरी, केमिस्ट्री प्रवक्ता, जीपीसी बार में। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है संसारण, कोरोजन, संसारण व कारण तथा निवारण। ये टॉपिक हम लेंगे। बहुत इजी सवाल आता है, कई बार बोर्ड के अंदर देखते हैं। संसारण, संसारण होता किनका है? धातुओं का, धातुओं का संसारण होता है। और ये धातु कौन कौन से हैं जो अधिक क्रियाशील धातुओं का संसारण होता है? हमेशा जो धातु जितना ज्यादा क्रियाशील उसका संसारण उतना ही सबसे अधिक होगा। कुछ धातु ऐसे हैं जो कम क्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम, एजी और एयू, ये ऐसे धातु हैं जिनका संसारण बिल्कुल नहीं होता है। ये अक्रिय धातु कहलाते हैं। इनको हम नोबल धातु की कैटेगरी के अंदर भी रखा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से संसारण किन धातुओं का नहीं होता है? कोई दो एग्जाम्पल लिखिए। प्लेटिनम का नहीं होता है, एजी का नहीं होता है, सिल्वर का नहीं होता है, एयूओरम सोने का नहीं होता है। ये अक्रिय धातु या नोबल धातु में आते हैं, और ये धातु वो है जिनके आभूषण बनाए जाते हैं। तो संसारण किनका होता है? धातुओं का। धातु कैसे होने चाहिए? क्रियाशील कैसे होता है? जब ये धातु वायुमंडल के संपर्क में आते हैं विभिन्न घटकों के, तब इनके संसारण हो जाता है। एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम से देखिए आप। ये क्रियाशील धातु है, ये वायुमंडल के संपर्क में आ गया, CO2, जल की वाष्प है, HCl, H2S, SO3, कार्बन के कण, NO2 गैस और अन्य, और जिसमें हम कभी कभी लिख सकते हैं लवण। जब ये क्रियाशील धातु इनके संपर्क में आएगा, CO2 के है, जल की नमी के संपर्क में है, HCl में है, SO3 में है, H2S गैस के है, कार्बन के कण है, NO2 है, और भी अन्य कण लवण भी हो सकते हैं, तब ये धातु अपने गुणों को खो देता है और अवांछनीय गुण धारण कर लेता है। उस क्रिया को हम कहते हैं संसारण। धातु के अच्छे गुण है वो खत्म हो जाते हैं और धातु जो है अवगुण प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे इसे गुण को हम कहते हैं संसारण, और धातु अपने अच्छे गुणों को खो देता है और इसके साथ ही धातु के गुण भी बदल जाते हैं। जैसे, और यही क्रिया, यदि संसारण की क्रिया Fe के साथ हो, आयरन के साथ हो, तो हम कहते हैं लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, लोहे पे जंग लगना जिसको कहते हैं। ये क्रिया जब किसके साथ हो? Fe के साथ हो, तब Fe उस समय अपने Fe2O3 डॉट NH2 में बदल जाता है। ये लोहा ऐसा है जिस पर जंग लगा हुआ है, सामान्यता लग जाता है। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं संसारण, किन कारणों से संसारण होता है? कारण सबसे पहले धातु की क्रियाशीलता, यदि धातु क्रियाशील है तो संसारण होगा। संसारण समानुपाती क्रियाशील, धातु ज्यादा क्रियाशील है तो संसारण भी ज्यादा होगा। जैसे हम बात करते हैं Fe और जिंक, ये ज्यादा क्रियाशील है, एक श्रेणी है, केमिकल सीरीज,
जो धातुओं से बनी हुई होती है, उस सीरीज में जो अपचायिक युग्मों के मान के आधार पर हम क्रियाशीलता निर्भर करते हैं, जिसका जितना अपचायिक युग्मों का मान कम वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील। जैसे हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, तो इनका अपचायिक युग्मों का मान है 0.34 वोल्ट्स और इनका है -0.76। तो ज्यादा किसका है? कॉपर का है। तो कॉपर कम क्रियाशील, जिंक का क्या है? कम है, माइनस का अंदर, इसका मतलब जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो अगर संसारण इन दोनों को रख देते हैं तो संसारण किस पर होगा? जिंक पर होगा, न कि कॉपर पर। और हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये ज्यादा क्रियाशील है, तो संसारण किसका होगा? जिंक का। इसीलिए हम क्या करते हैं कि लोहे को संसारण से बचाने के लिए, ये लोहा है, संसारण से बचाना है इसको, ये है एपी, इसको संसारण से बचाना है तो इसके ऊपर हम विद्युत के द्वारा एक पर चढ़ा देते हैं। ये पर चढ़ा देते हैं हम। ये परत किस धातु की होनी चाहिए? जो लोहे से ज्यादा क्रियाशील हो, जैसे मैं चढ़ा देता हूं जिंक का, तो हम लोहे को बचा सकते हैं संसारण से, क्योंकि अब संसारण किस पर होगा? जिंक पर। क्यों? क्रियाशील अधिक, क्रियाशील अधिक, तो लोहे को हम बचा सकते हैं। अक्सर जमीन के अंदर जो पानी वाले पाइप डाले जाते हैं उस पर लोहे के पाइप होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। कई बार सवाल आया हुआ है बोर्ड में, गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है विद्युत के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो यहां पर लोहे को बचाने के लिए किस धातु का संसारण हुआ? जिंक का। तो इसलिए कहते हैं बलिदानी धातुओं का प्रयोग करके, यहां लोहे के लिए बलिदान कौन करने वाला है? जिंक करने वाला है, तो क्रियाशीलता। दूसरा कारक हम पढ़ रहे हैं लवणों की उपस्थिति, सॉल्ट, लवणों की उपस्थिति। अगर आसपास ज्यादा लवण है तो संसारण ज्यादा होगा। जैसे सामान्य बात करते हैं, सामान्य जल और समुद्री जल, संसारण ज्यादा किसका होगा? अगर कोई धातु किसके संपर्क में आ गया? समुद्री जल के, सी वाटर के संपर्क में आ जाता है तो संसारण ज्यादा होगा। कारण? लवणों के कारण। तो लवणों की उपस्थिति के कारण संसारण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, जल की नमी, नमी के संपर्क में आने के कारण, अगर वायुमंडल में ज्यादा नमी है तो संसारण ज्यादा होगा, तो नमी की वजह से भी संसारण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और अब है निवारण, रोकने के उपाय क्या? संसारण को हम कौन कौन से तरीके से रोक सकते हैं? सबसे पहला निवारण में क्रियाशील धातुओं का प्रयोग करके, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, क्रियाशील धातुओं का प्रयोग करके, धातुओं का प्रयोग करके, जैसे अभी हमने कहा था लोहे को बचाना है तो हम प्रति किसकी चढ़ा सकते हैं? जिंक पर चढ़ा सकते हैं, लोहा बचाए, बलिदान धातुओं भी कहते हैं इसको। और है संसारण रोधी विलयनों का प्रयोग करके। दूसरा है रंग, पेंट, ग्रीस आदि का प्रयोग करके, का प्रयोग करके भी संसारण को रोक सकते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो पंखे हैं, दूसरे भी चीजें हैं, जिनके ऊपर कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो संसारण उस पर नहीं होगा, क्योंकि एक परत आ जाएगी, वो परत रोधी का काम करेगी। और एक आता है संसारण रोधी विलयन का प्रयोग करते, संसारण रोधी विलयन का प्रयोग करते, प्रयोग से जब हम धातु बनाते हैं
तो इनसे जो उपकरण बनते हैं, जो चीजें बनती हैं, उस समय उसको संसारण रोधी विलयन के अंदर उबा दिया जाता है, उनकी परत आ जाती है उसके ऊपर। इस तरीके से भी हम संसारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मेन कारक है संसारण को रोकने का प्रयोग क्रियाशील धातुओं की उसके ऊपर परत चढ़ाने से, रंग पेंट ग्रीस आदि के द्वारा भी संसारण को रोका जा सकता है, और संसारण रोधी विलयनों का प्रयोग करके भी संसारण को रोका जा सकता है, और नमी को दूर करके, नमी ज्यादा प्रजेंस अगर नमी कम है तो संसारण बिल्कुल कम होगा। इस तरीके से हम संसारण को रोक देते हैं। ओके, थैंक यू।